सो गाइस कि आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब कि आपने एक बार उसको 100% चार्ज किया उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी से आपको जो चार्ज है वो खत्म हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा चल रही है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई थी लेकिन मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। तो वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको देखनी होगी ये वीडियो। उससे पहले अगर हम चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। सो गाइस इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल की जो सेटिंग्स है उसमें आपको आ जाना है। जैसे आप मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाते हैं उसके बाद आपको यहाँ से आपको बैटरी वाला ऑप्शन ढूंढ लेना है। आपको बैटरी वाला ऑप्शन होगा, जैसे आप ढूंढ लेते हैं उस पर आपको एक बार क्लिक कर देने। क्लिक करने के बाद अब कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहां पे एक टिक किया है, जो कि आप देख सकते हैं यहां पे आपको तीन मोड देखने को मिल रहे हैं, पावर, बैलेंस और परफॉर्मेंस, जो कि आप यहां पे देख ही सकते हैं। इन मोड्स में से मैं आपको समझाता हूं, अगर आपको आपकी जो बैटरी है वो ज्यादा चलानी है, मतलब ज्यादा देर आपको उसको यूज करना है, तो आपको उसको बिल्कुल परफॉर्मेंस में क्लिक कर देना है, बैलेंस से हटा देना है। अगर आपको पावर चाहिए यानी बैटरी की आपको कोई चिंता नहीं है, जल्दी खत्म हो जाए लेकिन आपको पावर चाहिए, तो आप पावर पर क्लिक कर सकते हैं, आपको अच्छी पावर मिल जाएगी, अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं, ये तो आपकी फर्स्ट सेटिंग हो गई, इसमें आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस पे क्लिक कर देना है। आपको बैटरी ज्यादा चलानी है तो आपको इसको परफॉर्मेंस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दूसरी सेटिंग जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग रहने वाली है, उसमें आपको करना क्या है, यहाँ से आप अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एप्स दिखेंगे जो कि आपकी बैटरी को कितना यहाँ पे यूज करते हैं, कितना कंज्यूम करते हैं, वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऐप कितना आपकी बैटरी को यूज करता है। अब आपको यहाँ पे देख लेना है जो ऐप आपके बैटरी को ज्यादा यूज करते हैं उनमें आपको करना क्या है, ऊपर आपको बैटरी सेवर के बगल में बैटरी का ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि आप साइड में देख सकते हैं, तो आपको बैटरी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप बैटरी सेवर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो आपको एक बार इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको सारे ऐप्स आ जाएंगे। अब आपको उन ऐप्स पर क्लिक करना है जिनकी आप जैसे जो बैकग्राउंड में वो आपकी बैटरी को कंज्यूम करते रहते हैं उनको ऑफ करना है, मतलब कि आपने मोबाइल ऑफ भी कर रखा है लेकिन वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, आपकी बैटरी को यूज करते रहते हैं, आपके चार्ज को खत्म करते रहते हैं, तो उनको ऑफ कैसे करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले ही ऐप पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, आप किसी भी ऐप पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले भी क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आप देख सकते हैं रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड यूज, जो कि आप देख सकते हैं मैंने टिक भी कर दिया, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद बैकग्राउंड में आपकी बैटरी को ये ऐप बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाएगा। ऐसे ही आप अगर सभी ऐप्स पर कर देते हैं उसके बाद कोई भी ऐप बैकग्राउंड में जो बैटरी है उसको यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन आप उस ऐप पर इसको चालू रख सकते हैं, जो ऐप आपको जरूरी है कि बैकग्राउंड में चलना जरूरी है तो उस पर चालू रख सकते हैं, लेकिन सारे ऐप्स पर आप बंद कर सकते हैं। जैसे बंद कर दोगे आपकी जो बैटरी है पहले जितनी चलती थी उससे 1 से 2 घंटे बिल्कुल फालतू चल जाएगी। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी, अगर हम बैठे बैठे को लाइक और सब्सक्राइब।